कोरोना वायरस जिस तरह से पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि ये वायरस इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। इस वायरस के कारण लोगों का बाहर जाना बंद हो गया है, अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। लेकिन सवाल एक ही है, कब तक? कब तक मिलेगा इसका इलाज ताकि इससे पीड़ित लोगों को ठीक किया जा सके? इस वायरस के इलाज के लिए कई तरह की रिसर्च की जा रही है। एक ऐसी ही रिसर्च की गई राजस्थान की राजधानी जयपुर के अस्पताल में। दरअसल इस अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों को रेट्रोवायरल ड्रग्स के जरिए ठीक किया गया। इनमें से 2 इटली से जयपुर आए हैं और 1 जयपुर का ही रहने वाला है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अस्पताल का दावा है कि इलाज के बाद इन तीनों मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उन्हें फिलहाल डॉक्टर की निगरानी में आइसोलेशन में ही रखा जाएगा। जैसे ही ये पता चला कि इस वायरस से पीड़ित लोग इस दवाई से ठीक हो रहे हैं, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इसकी तकनीक जानने के लिए लगातार अलग अलग देशों और राज्यों से फोन आ रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र में भी इस इलाज की अनुमति दी जा चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये इलाज कितने प्रतिशत काम करेगा और लोगों को इस बीमारी से छुटकारा दिलाएगा।